कर्ण के सारथी शल्य हमेशा कर्ण को अपमान करते थे। जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस गया तब भी शल्य ने उसे उठाने से इनकार कर दिया था। कर्ण के मृत्यु के पीछे बहुत सारे कारण था, इनमें से एक कारण था शल्य का विश्वासघात। लेकिन शल्य ने कैसा विश्वासघात किया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले शल्य के भांजे युधिष्ठिर शल्य के पास गए थे और कर्ण के साथ हमेशा कठोर वचन बोल के कर्ण के तेज को घटाने के लिए उन्हें बोले थे। युधिष्ठिर की बात मानकर शल्य ने कर्ण के साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही किया। लेकिन भाग्य का खेल तो देखिए, इस शल्य का मौत अपने भांजा युधिष्ठिर के हाथों ही हुआ था। मुझे तो लगता है कि शल्य को अपना कर्म का फल ही मिला था। आपको क्या लगता है?